फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। आज का वीडियो क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और उसकी एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल ई एक्स बाय पॉलिनोमियल जी एक्स, फाइंड कोशेंट एंड रिमेंडर। तो आपको ई एक्स को जी एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। आपका जो क्वेश्चन और रिमाइंडर है उसको आपको लिख देना है। तो सबसे पहले आप पी एक्स को लिख लीजिए एज डिविडेंड, जिसे हिंदी में भाजक कहते हैं, और जी एक्स को एज डिवाइजर यानी कि भाज्य के रूप में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होता है, जो आपका पी एक्स है वो है एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3। अब x की पावर 3 करने के लिए इस x की पावर 2 को देखेंगे, तो वो अगर x की पावर 2 x से मल्टीप्लाई करो, अगर आप x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करो तो हो जाता है x की पावर 3, पावर ऐड हो जाती है। तो ये जो पूरा डिवाइजर है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। तो x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो हो गया x की पावर 3, और माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2x। अगला स्टेप, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिजिट का सिंबल होता है वो उसका अपोजिट करना होगा। जैसे x क्यूब प्लस का था तो हमने कर दिया माइनस का, ये माइनस का 2x था तो कर दिया प्लस का। अब एक्चुअल जो साइन है ये प्लस का माना जाएगा इस 2x का और x क्यूब का माइनस। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो कैंसिल हो गए, ठीक। माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर का एज इट इज लिखा जाएगा। अब ये प्लस और प्लस दोनों हो गए प्लस, 5x प्लस 2x 7x और माइनस 3। अब माइनस 3x स्क्वायर करना है, x स्क्वायर पहले से ही है, तो अब आप x स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, माइनस 3 x स्क्वायर, यानी कि माइनस 3 वो डिजिट है जिससे पूरा डिवाइजर मल्टीप्लाई होगा। तो ये x स्क्वायर माइनस 3 से होगा तो माइनस 3 x स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू माइनस 3 होता है पॉजिटिव 6। सिंबल चेंज कर दिया, ये माइनस है तो हो गया प्लस का। अब एक प्लस और एक माइनस हो गए कैंसिल। माइनस 7x एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि और किसी के साथ सॉल्व नहीं हो रहा। माइनस 3 और माइनस 6 दोनों हो जाएंगे प्लस, बट दोनों डिजिट जब माइनस की होती है तो सिंबल भी लगता है माइनस का। सो हमारा जो कोशेंट है वो है x माइनस 3, और जो हमारा रिमाइंडर है वो है 7x माइनस 9। अगला जो क्वेश्चन है पी एक्स है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जो जी एक्स है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। सो पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करिए। यहां पर देखिए x की पावर 4 पहली जी डिजिट है, अब माइनस एक्स स्क्वायर को आपको करना है माइनस एक्स स्क्वायर को आपको क्या करना है, x की पावर 4 तक लाना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर होता है x की पावर 4। तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर से इस पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर से ये पूरा। तो जब ये 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया है यहाँ पे, और माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो हो गया x की पावर 4। माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, दोनों का सिंबल चेंज कर दिया, ये हो गया हमारा माइनस का और माइनस वाला हो गया प्लस का, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब यहां ध्यान से देखिए ये 2x की पावर 2 है बट ये 5x है, तो ये पावर सेम नहीं है, इसका मतलब ये सॉल्व नहीं होंगे। ये पॉजिटिव 2x स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा और नेगेटिव 5x एज इट इज लिखा जाएगा प्लस 6। अब 2x स्क्वायर करना है आपको, और आपको ये वेरिएबल देखना माइनस एक्स स्क्वायर,
तो माइनस एक्स स्क्वायर को आप 2x² कैसे करेंगे, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा प्लस का 2x² यानी कि हमें किससे करना पड़ेगा, माइनस 2 से इस पूरे डिवाइजर को, माइनस 2 इंटू 2 क्या हो गया, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 ये लिखा हुआ, और माइनस एक्स स्क्वायर को जब आप इस माइनस 2 से जो मैंने यहां लिखा है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 2x की पावर 2। सिंबल जो है वो चेंज कर सकते हो आप, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है बिल्कुल, पावर भी सेम, माइनस 5x एज इट इज लिखा जाएगा और प्लस और प्लस 6 प्लस 4 10। सो क्वेश्चन क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, माइनस 5x प्लस 10। ये दो पार्ट थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, बचे हुए एक या दो पार्ट जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी हेल्प लेकर। नंबर 2 है वो है चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो हमें चेक करना है कि जो पहला पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर है कि नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर सेकंड पॉलिनोमियल यानी कि px को फर्स्ट पॉलिनोमियल gx से अगर आप डिवाइड करते हैं और आपका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का एक फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो आपने पहले लिख लिया अपना px फिर gx, यहां पर देखिए आपको 2t की पावर 4 ये चेक करना होता है सबसे पहले। अब आपके पास टी स्क्वायर तो है, 2t की पावर 4 करने के लिए है, आप टी स्क्वायर यूज करके 2t की पावर 4, तो आप क्या करेंगे इसको 2t² से मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है 2t की पावर 4, यानी कि हमें वो डिजिट मिल गई 2t² जिसको कि t² से मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज पहला जो आपका डिजिट है 2t की पावर 4 वो आ जाएगा एज इट इज। जैसे ही ये आप फाइंड करते हैं तो इस 2t की पावर 2 को इस पूरे gx से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये दोनों हुए मल्टीप्लाई तो आ गया 2t की पावर 4। 2t² इंटू 3 करोगे 2t² इंटू में माइनस 3 करोगे तो हो जाएगा माइनस 6t² जो आपने t² की जो t की पावर 2 है उसी के नीचे लिखना है, ये पावर 3 है तो इसके नीचे इसको नहीं लिखना है, सिंबल चेंज कर दिए, ये तो कैंसिल हो गया, एज इट इज लिख दिया 3t की पावर 3 यानी कि 3t³, और ये प्लस और ये माइनस, 4 में से 2 गए 6 में से 2 गए 4t² बड़ी डिजिट का सिंबल, ये एज इट इज दोनों हमने लिख लिए। 3t की पावर 3 चाहिए अब, और गिवन क्या है t², इसको आप 3t से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 3t³, यानी कि ये 3t हमारा क्वेश्चन आएगा एक बार, और इस 3t को इस पूरे t² - 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो पहले तो हो जाएगा 3t की पावर 3, उसके बाद -3 × 3 -9t, तो -9t हमने इस t के नीचे ही लिख दिया, सिंबल चेंज करने हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दोनों सेम है तो कैंसिल ही हो गए, तो अपोजिट सिंबल वाले सेम डिजिट है तो कैंसिल हो गए, बचा क्या 4t की पावर 2 और -12, ये बचा आपके पास। अब t² तो ये है पहले से, जस्ट 4 चाहिए आपको तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, t² × 4 हो गया 4t की पावर 2, इसी तरह -3 × 4 -12, सिंबल चेंज करेंगे, सेम बिल्कुल डिजिट, पावर भी सेम, तो अपोजिट साइन वाले कैंसिल हो गए, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है बिकॉज द रिमाइंडर इज 0, फर्स्ट पॉलिनोमियल विल बी अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो अगर आपसे चेक करने को बोला जाए तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर अगर आपका 0 आ गया तो यस फैक्टर है, अदरवाइज आप क्या लिख दोगे, फैक्टर नहीं है, नो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल।